हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय ट्यूशन। सो गाइस, आज का दिन है डे 10, दसवां रोज आए आज, और पता भी नहीं चल रहा 10 रोजे हो गए, इतनी फास्ट फास्ट निकल रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और वैसे हम लोग उमरा का जो आप लोग को बताया था, हम लोगों ने तो उसका डिसाइड तो हो चुका है, टिकट तो ऑलमोस्ट हो गई है, बट वीज़ा का अभी तक कोई आंसर नहीं आया। वीज़ा में टाइम लगता है आने में, 1 या 2 दिन लगते हैं, तो अभी डेट मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं कि कब जाने वाले, बट जाने वाले बहुत जल्द जाने वाले, कुछ ही दिनों में जाने का हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। है ना रूमी? रूमी आने वाली है इस बार, है ना रूमा? तो रूमी की तैयारी भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। आप लोग को इससे पहले वाले बुरखा नहीं ब्लॉग में पता चल जाएगा कि हम लोग रूमी के बुरखे भी ऑर्डर देकर आए, तीनों ऑर्डर दिए अभी मस्त मस्त। जो आप लोग को बताया था तब उसमें सिर्फ रूमाल ही ली थी, बट उसके बाद हम लोग एक और शॉप में गए थे जो दोस्त की शॉप थी, तो वहाँ पे उसने बोला कि सब कुछ हो जाएगा, रूमी का बुरका हम ऑर्डर से मतलब जैसा चाहिए आप लोग को वैसा हम लोग करके देंगे। तो मैंने वहाँ पे ही ऑर्डर दे दिया, एक ब्लू कलर का बुरका ऑर्डर दिया। रूमी, कौन सा बुरका ऑर्डर दिया आपने? जल्दी बताओ कौन सा ऑर्डर दिया। एक ब्लैक है, एक वाइट है और एक ब्लू है। आजा पापा के पास आजा। पकड़ लिया। रूमी के तीन बुरखे आने वाले, तीन बुरखे मुस्कान ने भी ऑर्डर किए, मैच किए दोनों ने। अब मुस्कान मेरे को बोल रही है कि तुम भी ब्लू कलर का जब्बा जो पूरा कप्तान क्या बोलते उसको वो लेकर आओ, तो हम अपने तीनों तीन सेम मतलब घूमेंगे पहन के, अच्छा लगेगा, आप वीडियोज बनाएंगे, फोटोज क्लिक करेंगे, तो एक साथ तीनों तीन लोग हो गए तो साथ में अच्छा लगेगा। आज अभी ऐसे हम लोग पूछते हैं मुस्कान को कि मुस्कान क्या बनाने वाली है आज, क्योंकि मेरी तो लड़ाई हो जाती है 2 दिन से, पता नहीं आज मेरा मूड ठीक नहीं चल रहा है या मेरी गलती है या मुस्कान को रोज़ा बहुत जल्दी लग गया था, पता नहीं चलता मेरे को। मुस्कान को रोज़ा बहुत जल्दी लग गया था मुझे ऐसा लगता है ना? कल भी ना बोल रही थी, सुबह शहरी में बोलती है मेरे को कि रहमान पानी का बॉटल ऊपर ले लो ना। मैंने क्यों कहते कि यार मेरे को बुरखा, मेरे को मेरा खुद का जो बुरखे के अंदर जो टोपी पहनते ना वो लेने जानी है। तो कहती है तुम चलो ना, आज मैं रोजा नहीं लगती, 2 बजे मैं उठ जाऊंगी और मैं सब काम बता दूंगी। मैंने कहा तू अभी पानी का बोतल नीचे रहने, पहले तू 2 बजे उठ, उसके बाद रोजा तोड़ डालना। तो इसकी सुबह हुई शाम को 4:30 बजे, फिर नमाज पढ़ी, अभी नीचे है, अभी असर का टाइम हुआ, बस असर की नमाज पढ़ना बाकी है अभी। तुम उसका आज क्या बनाने वाली है? KFC का अभी अगर हम लोग इंशाल्लाह उमरा में तो इंशाल्लाह जाने ही वाले हैं। 100% मैंने सब कुछ काम दे दिया है, पेमेंट वेमेंट भी सब कर दिया, बट अभी डेट फिक्स नहीं हुई और टिकट विकट थोड़ा थोड़ा नहीं, 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 नहीं बता देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, तू तेरा मत बताना मैं मेरा बता दूंगा, तू अकेली आना, तू अकेली आ ही नहीं सकती मुस्कान मेरे बिना, एक ऐसी जगह है जहाँ तू मेरे बिना नहीं जा सकती है, समझती है? हाँ, यस, गैर महरम नहीं जा सकते ना। सो गाइस, मैंने ले लिए हैं ड्रमस्टिक्स। इतने सारे? नहीं, ये तो 4 ही है ना, तो 4 थे तो 4 थोड़ी बनाऊंगी, तो फिर मैंने अंदर ये तो सबका एक ही थी, छोटे वाले विंग्स हैं, मैंने सबका एक ही बना दिया, मैंने विंग्स ऐड किए ना, और भी है डाल दूं? नहीं नहीं नहीं, बस बहुत हो गया यार, मुस्कान कोई खाता नहीं है यार, पहले 2-3 दिन ऐसी क्रेविंग रहती है खाने की, यार ये भी बना दो वो भी बना दो, ये भी खाना है वो भी खाना है, पर छिले छिले ने इतना कुछ खाने का मन नहीं होता है। ठीक है, जो हुआ आप जो देख रहे हो दिखाना है लोगों को देखना। ठीक है, आप सुशांत क्या डाल रही है इसके अंदर? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर काली मरी, तो बुरखा भी काट के अंदर डाल देना, थोड़ा ब्लैक बुरखा दोनों ऐड हो जाएगा, अच्छा लगेगा, ब्लैक बुरखा ब्लैक पेपर, ये तो नॉर्मल चीज सब में ही डालना पड़ता है, नमक बिना तो स्वाद ही नहीं आता है खाने का। चन्नू क्या कर रहा है? तरबूज, कल तो वो तो अपने ने पिया ही नहीं, क्या बनाया था अपने? मोहब्बत का शरबत, मोहब्बत अंदर ही रह गई, फ्रिज में ही रह गई। आज वैसे मेरे भाई मतलब मेरे भाईजान और मेरी बहन आए इफ्तारी के लिए, तो ये बार हम लोग ने सोचा है कि है ना मुस्कान, क्यों इतना तीखा मत करो मुस्कान, नहीं खवाएगा मुस्कान, रूमी को खिलाना यार, रूमी के लिए बना रहे हैं, देख क्यों है, मिर्ची दिखी नहीं है तो मिर्ची का किलो डालते, फिर कलर के लिए डाल दूंगा, तो कलर के लिए कलर डाल देना उसमें, मिर्ची क्यों डालते कलर के लिए। चलो ठीक है, तो सब कुछ अंदर रेडी हो गया, अदरक लहसुन ऐड किया, गार्लिक,
नहीं क्या हो गया मसाला रेडी, इसको 2-5 मिनट रहने देना पहले, थोड़ा मसाला अंदर चढ़ जाए। अभी इसमें डालना है जीरा पाउडर, जीरा पाउडर है भी नहीं, होगा ही नहीं अपने घर में, सब कुछ ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं है अपने घर में। अच्छा तुम जाके लेमन दोनों है फ्रिज में, ठीक है मैं ला देता हूँ। मुस्कान तेल स्टार्ट कर दिया, आज सब मुस्कान ही कर रही है रखते हैं, आज मुस्कान की मेहनत ज्यादा है। मम्मी ने किया था, मैंने ही डाला था सब। बस बस मुस्कान बहुत तेल हो गया, बाहर आएगा मत डाल। तो ये सब कुछ भी निकाल के रख दिया है, ये कटलेट बनाई है, इधर चिकन जो आप लोग को बताया था वो रेडी है। अब थोड़ा बहुत मैं जाता हूँ बाहर कुछ देखता हूँ, अगर मेरे को कुछ अच्छा लगा तो मैं बाहर से थोड़ा बहुत कुछ लेकर आऊंगा। ये कैसे बनाना है अभी इसको, शायद ये लोग एक प्लेट में पाउडर को निकालेंगे, पता नहीं क्या पाउडर है मेरे को नहीं पता, कॉर्नफ्लोर में लपेट के इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे चिकन को, और फिर ये डूबते हुए तेल में इसको डाल देंगे, है ना उसका। क्या और मेरे झाड़ों का क्या हाल है, ट्रीज का सब सुबह पानी डाल के ही जाता हूँ वैसे तो, ऊपर भी सब मैंने उगाया है, यहाँ पे भी सब उगाया है, टेरेस पे भी उगाया है, सब जिधर उधर जाके मैं उगाया ही करता हूँ सब। कड़ी पत्ते की बहुत स्मेल आ रही है, मिर्ची भी उगी होगी शायद अभी, मिर्ची हाँ एक दो लगी है। तो फाइनली गाइस ये रेडी हो चुका है, इसको अब इसमें सिर्फ डालना बाकी है, समोसे भी तला रहे हैं। चलो मुस्कान मैं बाहर जाकर आता हूँ, है ना, क्या ले कर रहा हूँ कुछ देखो अच्छा अच्छा कुछ मिलता है क्या है। बाहर सब तेल में बनाओ बट उन लोग का इतना कुछ खास नहीं होता है, टेस्ट नहीं आता यार, ऐसे ही बना के दे देते लोग तो बाहर का पसंद नहीं आता है। सन हो गया सब कुछ रेडी, मैं बाहर से कुछ इतना कुछ खास नहीं लाया, पाइनएप्पल लेकर आया, फिर 2 जात के आलू लेकर आए जो हम लोग के घर पे बनते नहीं है, इसलिए हम लोग आलू लेकर आए, और ये चने। मुस्कान की चिकन को थोड़ी सी नजर लग गई तो वो सिर्फ काली हो गई है, बाकी है बरोबर। नहीं काली इसलिए हुई है क्योंकि रोज हम एक ही तेल यूज करते हैं, बार बार वेस्ट नहीं करते, तो इसकी वजह से वो हो जाता है, क्योंकि रमजान में बार बार नींबू शरबत यूज करेंगे तो मेरे पापा की तो क्या तेल की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। क्यों तो इतना तेल यूज होगा रोज। यस चलो तो हो गया सब कुछ रेडी ऑलमोस्ट, दस्तरखान पर बिछाना बाकी है, रूमा डाल लें। ओए रोजा नहीं रखा तूने, ये क्या करती है, अभी से खाना चालू कर दिया। दौं 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 दौं, आजा 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 आजा, चल सो जा, आइयो आइयो, चल मैं जाता हूँ। बाकी साधन तू जा जल्दी भेड़िया, उसी खाली दुआ मांग, बहुत दुआ की जरूरत है रूमी तेरे को, ये मेरे को भी, चलो दुआ मांगो। अल्लाह 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 पाक, क्या मांगी दुआ में, क्या मांगी, आधी तो खाने का अंदर जाती है सिर्फ 10 मिनट बाकी है अभी, और सब कुछ रेडी हो चुका है, बाकी पप्पा का और सबका टिफिन गया है आप लोगों के सामने, अब जल्दी जल्दी जल्दी। तो इस तारीख के बाद आप लोग से बात करते हैं कि आज मम्मी का तो सब कुछ आ गया है वैसे, और सिर्फ मुस्कान तो थोड़ा बहुत बाकी, मेरा बहुत कुछ लेना बाकी, क्योंकि मैंने कोई चीज़ नहीं ली, ना आराम लिया अभी तक, ना मैंने झुका उपा लिया है, ना मैंने तरावी पढ़ते, जो धंधा वंदा करते ना रात में, वो लोग सब 3 बार खत्म तरावी पढ़ने आते, तो 10 दिन में उनकी तरावी खत्म हो जाती, तो आज से बाजार ओपन है, ठीक है, तो हम लोग आज रात में जाने वाले हैं, मुस्कान अरे रूमी क्या करती है तू, ये क्या खाती है, चिकन खाती है अक्का, तंदूरी रूमी मैं ये खाऊं,
ये किसने बनाया? माने पापा 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 बोल पापा बोला पापा रूमी रूमी पापा 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 ये पादी वो करी रूमी है आप लड़की तू क्या दस्तर गांव में बैठ के पॉप बूम पाम बूम सब चालू ले ये ले ले ये ले ले ये अच्छी है ले ये अच्छी है वो हड्डी है वो फेंक दे ये ले ले क्या करती है खाती है कि क्या करती है ये कपड़े कपड़े सब ना उंगली क्यों खाती है मामे बच्चे का हाथ का बाहर बड़ी चिकन बेचारे को इतना बड़ा दे दे रहे हो वजन बहुत उसका वजन सो गाइस हम आपको नहीं बता पाए लेकिन मैं कुछ रिलेटिव के वहाँ गई थी मिलने के लिए क्योंकि हम लोग उमरा करने जा रहे हैं तो उन लोगों के यहाँ पे मिलने के लिए गए थे लाइक हमारे यहाँ पे जाते मिलने और कुछ थोड़ा बहुत सामान लाना था बाहर से और हम लोग आए हुए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन हम लोग ऊनो खेलने बैठ गए थे रोज़ रात का हमारा ऊनो खेलना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब थक गई हूँ आज तो मैं शेरी में पता नहीं उठा जाएगा नहीं उठा जाएगा बट इट्स फाइन लेट्स सी कि क्या होता है आई होप हम लोगों का उम्र मुकम्मल हो और अल्लाह कबूल करे और इंशाल्लाह आप सबको भी अल्लाह नसीब करे उम्र और बस आज के लिए इतना ही ये व्लॉग में ही एंड कर रही हूँ सो आगे के जितने भी व्लॉग्स आई गाइस आर गोइंग टू हैव फन क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें देखने मिलेंगी नए लोगों के साथ देखने मिलेंगी सो इट वुड बी फन फॉर मी फॉर यू फॉर एवरीवन सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड ऑन आवर चैनल एंड लव यू